क्या ये पेड़ पूरा हड्डियों से बना हुआ है? भाई साहब क्या ही प्रोडक्शन क्वालिटी है इस मूवी की, मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ। तो मैंने देखा कंगुआ का टीजर एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड बाई इट। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये वीडियो इतना डिले क्यों है, तो आई वॉज बिजी शूटिंग माई ओन शॉर्ट फिल्म जहां चीजें कुछ अच्छी नहीं जा रही, लेकिन फिर भी ये वाला रिव्यू अपन सही से करेंगे। तो टीजर के अंदर लॉर्ड बॉबी और अपने सूर्या भैया यानी कि रोलेक्स दोनों आमने सामने दिखते हैं। अब कौन किसकी बजाएगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब टीजर देख के ही मूवी की स्केल और मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी दोनों का आइडिया बहुत अच्छे से लग जाता है और ये पता चलता है कि एक्चुअली वो मूवी किस लेवल की होने वाली है। और साथ ही साथ इस मूवी के लिए जो सेट्स और क्रॉप्स को बनाया गया है बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। टीजर को देख के साफ साफ पता चलता है कि मूवी के अंदर अगर 300 से 350 करोड़ का बजट लगा हुआ है तो वो कहाँ पे लगा हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं किया है कि सारा का सारा बजट VFX कंपनी को दे दिया और एकदम फुर्सत से बैठ गए घर पे। मतलब कुछ मूवीज में तो ऐसा ही करते हैं कि सारा बजट दे देते हैं या फिर सारा बजट भी देते। क्या मतलब पिक्चर सिर्फ 50 करोड़ बनी थी और बाकी का पैसा उमराउत के जेब में। तो टीजर देख के साफ पता चलता है कि 8 डायरेक्टर्स को विटामिन एम अच्छी खासी दी गई थी, तभी उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया मूवी के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और अगर इस प्रोसेस को वो लोग अपनी मूवी में ऐड नहीं करते तो इस मूवी का नाम आज कुछ और होता। मतलब कंगुआ से शायद इस मूवी का नाम आदि पुरुष 2 हो सकता। बहुत घटिया जोक था। एनीवेज मूवी की स्टोरी अपने इंडिया के ही प्री हिस्टोरिक इवेंट्स को दिखाएगी, जहां डायरेक्टर ने क्लियर किया था कि वो अपने ही हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें इस मूवी के अंदर दिखाना चाहते थे। और साथ ही साथ उन्होंने काफी सारी रिसर्च की है अपने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में और उसके बाद ही इस मूवी की स्टोरी क्राफ्ट की है। टीजर देखे तो यही पता चल रहा है कि 2 ट्राइब्स होने वाली है, एक रोलेक्स भैया की यानी कि अपने सूर्या की और दूसरी लॉर्ड बॉबी की। और इन दोनों ट्राइब्स के बीच में लफड़ा काफी समय से चलता आ रहा है और काफी समय तक चलेगा भी, जिसको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। टीजर के विजुअल्स काफी ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, वो अलग सी एस्थेटिक वाली फील देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चीजों को बनाया गया है देख के मजा आ जाता है। और जिस हिसाब से दोनों ट्राइब को सिग्निफाई किया गया है बहुत सही लग रहा है। जहां एक ट्राइब को थोड़े वार्म कलर्स के साथ डिनोट किया गया है, वही दूसरी ट्राइब को थोड़े कूल कलर्स के साथ दिखाया गया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। ऑल्दो टीजर के अंदर स्टोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, स्टोरी के नाम पे कुछ भी रिवील नहीं किया है टीजर के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं ये टीजर पूरा का पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करता है कि एक्चुअली में मूवी के अंदर जो यूनिवर्स दिखाया जाने वाला है उसका वर्ल्ड कैसा होगा, और एक ठीक ठाक सा आइडिया दे देता है अपने को कि एक्चुअली में इस मूवी का यूनिवर्स कैसा दिखेगा। अब इस पूरे टीजर के अंदर सिर्फ एक ही डायलॉग यूज किया गया है, जिसको अपना मेन कैरेक्टर यानी कि कंगुआ टीजर के लास्ट में बोलता है। अब बेसिकली एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में है, और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी की मेन स्टोरी यानी कि जो अपने कंगुआ की ट्राइब है वो इसी जगह से बिलोंग करेगी। अब इस टीजर के लास्ट के दोनों शॉट मुझे काफी ज्यादा सही लगे, जहां पहला शॉट है अपने दोनों मेन कैरेक्टर का फेस ऑफ कराते हुए, वो बहुत सही लगा मुझे। और उसके बाद जो अपने कंगुआ के मेन कैरेक्टर को फोकस करते हुए लास्ट वाला शॉट है वो भी बहुत सही लगा मुझे। कुल मिला के इतना ही कहूंगा कि इस 52 सेकंड के टीजर ने मुझे इतना ऑर्गेज्म दे दिया जितना मुझे सीधा नमक यूज करने के बाद भी नहीं आया।